नया सरप्राइज है, सरप्राइज नहीं नहीं, नेक्स्ट ट्रिप की बात करनी है, नेक्स्ट ट्रिप बता देता हूँ मैं लोग को। नेक्स्ट ट्रिप हमारी होगी अभी प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग है 100% प्लानिंग है हमारा, प्लानिंग 100% रहता है। उत्तराखंड का प्लानिंग है हमारा, और प्लानिंग में वही है कि ये भाई को जाना है मनाली में, उनका मनाली और मसूरी में, और मेरा प्लानिंग है लद्दाख में, और वो प्लान हमारा है बाय रोड, बाय कार जाने का प्लान है हमारा। ये बोला है ट्रेन और मुझे बाय। गुड मॉर्निंग वीरपुर, जय जलाराम। हाँ, तो रात को हम लोग बहुत लेट आए थे जूनागढ़ से वीरपुर, बहुत टाइम लग गया था आने में, इसलिए रात को कोई शूट नहीं कर पाया। और अभी सुबह मतलब अभी हुए हैं 8 बजे और हम लोग रेडी हो गए फ्रेश फ्रेश होके। अरुण भाई यस। तो अभी हम लोग जाएंगे दर्शन के लिए जलाराम बाबा के, और इधर से सीधा घर तरफ ही निकलेंगे, मतलब रास्ते में जो आएगा उधर स्टॉप करेंगे, घूमेंगे, बाद में निकलेंगे घर के। आज रात को घर पहुँचते हैं, मतलब इन शॉर्ट। ये देखो ये रही हमारी गाड़ी, और हम लोग ये रेस्टोरेंट सॉरी ये होटल में रुके थे। ये हमारी रूम थी 4 बेड की, रूम चेक कर लेने एक बार, कुछ तो रहने देता अपना। हाँ क्या बाकी बोले अपना, तुम्हारा क्या बाकी है, वो क्या बाकी है अपना क्या बाकी, वो तुम्हारा चड्डा रह गया, ले लो तुम उधर से। देखो ये था हमारा होटल, ये वाले रूम में हम लोग थे, बीच वाले रूम में, और पिछली बार हम जब लोग आए थे हमारे दोस्त लोग तभी इधर रुके थे। ले सामान मुके तुम्हारा गाड़ी पास, और ये लड़का हमारा बहुत काम करता है यार, कुछ नहीं करता पर काम बहुत करता है लड़का। क्या बोलना इधर, क्या क्या दिखा दे, ऐसा मत दे सबके सामने, ऐसा मत बोल, कुछ नहीं कर वैसे बोल दे। जस्ट होटल के बाहर एक चाय की दुकान ज़बरदस्त थी, उन्होंने बोला कि चाय ज़बरदस्त मिलेगी। अरुण भाई चाय के मामले में आपका क्या बोलना है, तो बोल, तू बोल गुजराती बोल, चाय में तुम्हारा हो क्यों भाई, नहीं मतलब चाय बाबा में तुम्हारा क्यों, चाय केवी जो है खरीदनी बराबर से, अरे यहाँ पर उच्च सेम चाय यार कम्प्लीट जो है हमने। हाँ हाँ ये है जलाराम बाजार, मंदिर का बाजार वीरपुर का, और ये था मंदिर। इधर फोटो सब अलाउड नहीं है, तो हम लोग दर्शन करके आए हैं, और मोबाइल सब कुछ बाहर था। अभी थोड़ा सा सब शॉपिंग करना है मेरे भाई को, अभी छोटी मोटी वस्तु सब ले गया। अभी जलाराम मंदिर के दर्शन करके हम लोग सीधा आ गए हैं कागोड़, जो है खोड़िया माता का मंदिर। इधर जलाराम मंदिर से करीब 5-7 किलोमीटर है। अरुण भाई ये इनका पहली बार है मंदिर में, तो अरुण भाई की क्यों पूछ करता है। अरे भाई तुम्हें हमारा भाई, तो भाई से मजाक थोड़ी से, हमारा प्रवास का फैली होता है। हाँ अरे मतलब हमारा टूर में फर्स्ट टाइम से, बाकी हम मेंबर तो हमारा रेगुलर से, मतलब हमारे तारा प्रायोरिटी हमारा तेना फर्स्ट आप ही पड़े, तेना कहीं तकलीफ हुआ क्या भाई, तो मतलब एक मस्त प्राउड फील था, ये बात पता बताओ जो बजे ऊपर जो हमें जूम करी हुआ है जो हाँ वस्तु मन गमी यार। जय खोड़िया माता। ये खोड़ाधाम का मेन गेट है इधर से, और ये सामने खोड़िया मंदिर है। आज ये है खोड़िया मंदिर, जबरदस्त एकदम, इसकी जगह ही बहुत बड़ी है ये प्लेस चारों ओर। अरुण तुम्हारो फर्स्ट टाइम विजिट है मंदिर में, तो कई बे शब्दों मंदिर माटे। मंदिर मस्त है, जगह की है मतलब लोकेशन जबरदस्त मोटू, अक्षरधाम से ये रीतना हम लाइक हां लाइक है ना, एना करता भी हम व्यवस्थित मोटू लागे हम। आउ लोकेशन बीजे क्या छे,
हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो अभी हम लोग सीधा किधर से, वीरपुर से आ गए सीधा हम लोग, अभी वीरपुर से सीधा आ गए हम लोग अभी सारंगपुर दादा के धाम में। हमारी इच्छा थी कि सारंगपुर जाके निकले, टाइम वैसे भी हमारे पास था तो सोचा कि दादा तो वैसे हम लोग सारंगपुर आ गए इधर से, और इधर से सीधा हम लोग जाएंगे घर की तरफ। सभी यार चार्जिंग उतर गया घड़े के, पता नहीं चलता। तू भागता क्यों है यार, कुछ नहीं करूँगा यार। उतर गया, हाँ चार्जिंग उतर गया है, बैटरी लो है बैटरी घड़े की, केबल है पावर बैंक की, हाँ गाड़ी है ना, गाड़ी में चार्ज कर लेंगे ना हम लोग। यस, जो लाइव ऑन यूट्यूब चैनल सारंगपुर जी 24/7। हाँ, इधर हम लोगों ने गाड़ी पार्क किया है, ये अतिथि भवन है, और इधर दादा का धाम है मंदिर। श्री कष्ट भजन देव हनुमान जी के सरस दर्शन हो गए हैं हमारे इधर, और ये पीछे मंदिर था, और हम लोग जा रहे पार्किंग में अभी, और ये हमारा लास्ट प्लेस था इधर का। अब इसके बाद हम लोग सीधे निकले घर की, और यार घड़ी बंद हो गई मेरी, शायद 6:30 बजे अभी तो, और इधर सीधा मतलब घर पहुँचने में हमको रात हो जाएगी, 10:30-11 बज जाएंगे। बीच में देखते हैं, कहीं पर रुकते हैं तो अपडेट देता हूँ मैं अभी, वरना ये हमारा लास्ट प्लेस था। इधर से हम लोग निकले घर पर, अभी नेक्स्ट व्लॉग आएगा तो ये अभी स्टार्टअप करेगा ये भाई हमारा, वो आगे का रिव्यू जो है वो होता था ना, कैसा रहा वो, मजा आया जर्नी में, जबरदस्त मजा आया। अभी और जर्नी होगी हमारी। ये तो हमको क्या, तुमको बहुत टाइम के बाद वो दीव जाना था, द्वारका जाना था, अभी नेक्स्ट प्लान आउट ऑफ गुजरात करेंगे, आउट ऑफ गुजरात ही करते हैं, आगे का ब्लॉग देख तुम हमारे। पर ये तुमको बहुत टाइम हो गया क्या, हमको भी द्वारका जाना था, बहुत टाइम हो गया था, म्यांमार जाना है। चलो तो निकलते अभी घर की, और बीच में कहीं रुकते हैं तो अपडेट देते हैं हमको हम लोग। A few moments later, अभी हम आ गए हैं तारापुर, और अभी कौन से होटल पे रुके हैं, लक्ष्मी होटल पे रुके, और ये हमारा यूट्यूबर अमोल किधर है, आजा। ओहो, आज तो बिना पूछे स्टार्ट कर दिया तूने, चालू कर दिया। क्या बोला आगे तूने, क्या बताया? बस अभी यहाँ तारापुर आ गए, सारंगपुर से हम लोग सीधा आ गए अभी तारापुर की, कहीं पे भी स्टॉप नहीं लिया, सिर्फ पेट्रोल डीजल के लिए स्टॉप लिया था हम लोगों ने, और कहीं स्टॉप नहीं लिया। हो गए, हम लोगों ने सीधा स्टॉप इधर ही लिया तारापुर में, और कहीं भी स्टॉप नहीं लिया क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था, और जल्दी घर पहुंचना भी था हमको, कल एक फंक्शन में भी जाना है, गणेश पूजा कथा भी है, उधर भी जाना है, कल का भी ब्लॉग आएगा शायद, ट्राई करता हूँ मैं पूरा। और दूसरी मेन बात तो ये कि आप लोग जब ब्लॉग देखो तब मुझे सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और मेरी कोई भी भूल हो तो मुझे बताइएगा, और मैं हिंदी गुजराती इसलिए मिक्स में बोल रहा हूँ ताकि वो थोड़ा जोक जैसा हो जाए, और थोड़ा वो लैंग्वेज में बोल रहा हूँ जो वो थोड़ा कॉमेडी जैसी हो जाए, मतलब ऐसा मेरा इंटेंस है, कहीं गुजराती हिंदी जो थोड़ा मिक्स बोल रहा हूँ मैं, वो थोड़ा जो भी वर्ड बोलता हूँ मैं वो थोड़ा कॉमेडी जैसा मिल जाए ऐसा वर्ड। तो अगर आप वीडियो देखो तो लाइक करना, और जो भी सजेशन मुझे लगे जो देना पड़े ऐसा सब मुझे दे देना आप लोग, और दूसरी ये बात कि मेरे चैनल को लाइक करना, और कमेंट में सजेशन या अच्छी कमेंट भी देना, और वीडियो आपके फ्रेंड के साथ शेयर करना। और अगली नेक्स्ट ट्रिप हमारी कहाँ पे होगी, और कुछ नया सरप्राइज है? सरप्राइज नहीं, नेक्स्ट ट्रिप की बात करनी है, नेक्स्ट ट्रिप बता देता हूँ मैं लोग को, नेक्स्ट ट्रिप हमारी होगी अभी प्लानिंग कर रहे हैं, नहीं प्लानिंग है 100% प्लानिंग है, हमारा प्लानिंग 100% रहता है, उत्तराखंड का प्लानिंग है हमारा, और प्लानिंग में वही है कि ये भाई को जाना है मनाली में, उनका मनाली और मसूरी में, और मेरा प्लानिंग है लद्दाख में, और वो प्लान हमारा है बाय रोड, बाय कार जाने का प्लान है हमारा, ये बोला है ट्रेवल, और मुझे बाय कार का बहुत शौक है, बाय ड्राइविंग करके बाय कार जाने का बहुत शौक है, तो मेरा प्लानिंग यही है। अब नेक्स्ट जब भी आएगी मैं अपने इंस्टा अकाउंट पर, इनका भी इंस्टा अकाउंट है, मैं लिंक दोनों की लिंक इंस्टाग्राम में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इधर चैनल पर मेंशन कर दूंगा, आप फॉलो कर दीजिएगा इनके दो इंस्टाग्राम पेजेस से, दोनों को मैं आप इधर मेंशन कर दूंगा, आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब वो सॉरी क्या बोल रहे उसको फॉलो कर देना पेज को। और अभी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तो अभी मेरा वीडियो आपको जैसा भी लगे लाइक कर देना, कॉमेंट में रीज़न बता देना जो भी रीज़न हो, अगर सजेशन हो तो बता देना,
बाकी लाइक करना मत भूलना, शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ कर देना, बताना तेरे को कुछ समझ ही जाते हैं। चलो बाय बाय, मिलते हैं, जय श्री राम, जय माता जी।